हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ रेड गियर मांटा 2.1 गेमिंग कॉम्बो का रिव्यू। 1700 की प्राइस के साथ ये गेमिंग कॉम्बो आता है और सेल्स के अंदर लगभग आपको अंडर 1500 रुपीज़ भी देखने को मिल जाता है। बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं हम शुरू। सबसे पहले हम कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। मेमोरियन टाइप का कीबोर्ड हमको देखने को मिल जाता है। इसी के साथ ये फ्लोटिंग कीकैप्स के आर्किटेक्चर के साथ आता है, जो कि मेमोरियन कीबोर्ड भी होते हुए काफ़ी अच्छा मैकेनिकल एक्सपीरियंस आपको दे सकता है। 104 कीज के साथ ये आता है इंक्लूडिंग नमपैड, और रेड गियर का कहना है कि ये 10 मिलियन की स्ट्रोक्स तक इसकी लाइफ स्पैन रहेगी। ये काफ़ी अच्छी बात है यार कीबोर्ड की। आगे बढ़ते हैं हम इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में। बिल्ड क्वालिटी इस कीबोर्ड की काफ़ी अच्छी दी गई है हमको। एल्यूमिनियम टाइप की फिनिशिंग देखने को मिल जाती है थ्रू द कीबोर्ड, और हार्ड प्लास्टिक के साथ बाकी का कीबोर्ड ये बना हुआ है ड्यूरेबिलिटी वाइज। और मैं इसको एक साल से यूज़ कर रहा हूँ लगभग, और अभी तक मेरे को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई। ड्यूरेबिलिटी वाइज कीबोर्ड काफ़ी अच्छा वेल बिल्ट बनाया गया है। इसी के साथ हमको पीछे की तरफ देखने को मिल जाते हैं कीबोर्ड के स्टैंड्स। तो स्टैंड्स आपके थोड़े बहुत कीबोर्ड के ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, ताकि आपके हैंड का जो एर्गोनॉमिक एक्सपीरियंस है वो भी काफ़ी एक अच्छा हो जाए। फ्लैट कीबोर्ड आपको रखना नहीं पसंद तो आप थोड़ा सा ऊपर इसको उठा सकते हो। ये कीबोर्ड के काफ़ी अच्छा फीचर दिया गया है। इसी के साथ साथ हमको दिए गए हैं फ्रंट की साइड में 3 इंडिकेटर, जो कि ब्लू कलर के इंडिकेटर्स दिए गए हैं। नम लॉक, कैप्स लॉक और विंडोज लॉक का फीचर भी हमको देखने को मिल जाता है। विंडोज लॉक के फीचर को एक्टिवेट करने के लिए आपको विंडोज और FN की को साथ में प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपका विंडोज लॉक का फीचर एक्टिवेट हो जाएगा और इंडिकेशन आपकी शो होने लगेगी। विंडोज लॉक के फीचर मेनली यही काम आता है कि अगर आप कोई गेम खेल रहे हो, आपसे बार बार विंडोज की प्रेस हो जाती है, तो आप इस की को डिसेबल कर सकते हो, ताकि आपके जो गेम का एक्सपीरियंस है वो बेकार ना हो और बार बार आपकी गेम मिनिमाइज ना हो। गेमर्स के लिए काफ़ी एक अच्छा फीचर दिया गया है। उसके बाद चलिए बात करते हैं इस कीबोर्ड की लाइटिंग की। तो बैकलिट कीबोर्ड दिया गया है हमको, और 3 तरह के लाइटिंग मोड्स हमको देखने को मिल जाते हैं। रेड, ब्लू और पिंकिश टाइप का कलर हमको देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं हमारे USB केबल की। हमको गोल्डन प्लेट USB केबल देखने को तो नहीं मिलती, पर जो इस केबल की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी ब्रेडेड केबल हमको देखने को मिल जाती है। गोल्ड प्लेटेड इसका USB नहीं है, पर इसकी जो कीबोर्ड के जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो काफ़ी अच्छी है। USB की काफ़ी फास्ट और रिस्पॉन्सिव कीबोर्ड है ये। इस चीज़ में तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। और बाकी तो आप देख ही सकते हो कि किस तरह से ये कीबोर्ड साउंड करता है। साउंड टेस्ट आपके सामने ये रहा। तो सबसे पहले माउस की ग्रिप के बारे में बात करूं, ग्रिप काफ़ी अच्छी दी गई है हमको। हाथ में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाता है माउस, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई मुझे। और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूं तो पूरा एल्यूमिनियम का फ्रेम दिया गया है हमको इस माउस में भी, और ऊपर की तरफ हमको रबराइज ग्रिप देखने को मिल जाती है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है माउस के बारे में। 7 प्रोग्रामेबल कीज देखने को मिल जाती है हमको इस माउस के साथ। माउस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी लगी मेरे को। 3200 DPI तक सपोर्ट करता है, जिसमें आप 4 मोड आप चेंज कर सकते हो। 800 से 3200 तक आपकी जाती है ये DPI। और माउस के अंदर भी हमको RGB देखने को मिल जाती है। माउस के अंदर मुझे सिर्फ एक कमी देखने को मिली है, जो कि आप इसके RGB चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस माउस में बस सिर्फ ब्रीदिंग मोड चालू होता है, जो आप कीबोर्ड के साथ कभी भी सिंक नहीं कर सकते। बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस में तो मुझे कुछ खासी दिक्कत आई नहीं। गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है इस माउस की फॉर द प्राइस। और मैं नहीं कहता कि ये काफ़ी घटिया माउस है, आप इसमें गेमिंग नहीं कर सकते। आप इसमें गेमिंग कर सकते हो अच्छी तरह से, और आपको कोई दिक्कत आने नहीं वाली। तो माउस के बारे में आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। बस मुझे सिर्फ इसका एक ही कॉन लगा, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसके आप RGB चेंज नहीं कर सकते, कस्टमाइज नहीं कर सकते, और सिंक भी नहीं होती। बस इसका एक ही ब्रीदिंग मोड चालू रहता है, जो कि आप चेंज नहीं कर सकते। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कीबोर्ड और माउस दोनों के कॉन्स की। सबसे पहला कॉन जो मेरे को देखने को मिला है, वो जो 3 बैक लाइट्स हैं इसकी, जो 3 कलर्स आपको देखने को मिलते हैं, उसमें थोड़ा सा पिंकिश टाइप का LED देखने को मिल जाती है। तो पिंक की जगह इसमें ग्रीन दे रखी होती तो काफ़ी अच्छा रहता, क्योंकि RGB हो जाती फिर पूरी तरह से। और मोड भी हमको सिर्फ एक ही देखने को मिलता है, जो कि ब्रीथिंग मोड और स्टैटिक मोड। इसमें कुछ ज़्यादा हमको वैरायटी देखने को नहीं मिलती।
ये थोड़ा सा मेरे को एक कॉन लगा, हालांकि ये डील ब्रेकर तो बिल्कुल नहीं है। अब जो सबसे बड़ा कॉन लगा है मेरे को वो है इसका की रोल ओवर। तो की रोल ओवर बेसिकली वो चीज़ होती है कि आप कीबोर्ड एक टाइम पे साइमल्टेनियसली कितने ज़्यादा कीज को रजिस्टर कर सकता है। तो जहाँ तक मैंने इसकी टेस्टिंग की है अल्फाबेटिक वैल्यूज में ये लगभग 10 की रोल ओवर्स तक को सपोर्ट कर जाता है। 10 साइमल्टेनियसली कीज आप एक साथ प्रेस कर सकते हो और 10 की 10 कीज को ये एक साथ रजिस्टर कर लेगा। पर हम जब नम पैड इसके साथ यूज़ करते हैं तो नम पैड को ये रजिस्टर नहीं कर पाता। ओनली जो की रोल ओवर वर्क करता है वो अल्फाबेट के साथ। आप अल्फाबेट प्लस न्यूमेरिक की रोल ओवर यूज़ नहीं कर सकते। न्यूमेरिक की रोल ओवर की बात करूँ तो सिर्फ 3 कीज पर एट अ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। तो ये मुझे एक थोड़ा सा कॉन लगा कि आप अल्फाबेट के साथ न्यूमेरिक प्लस नहीं कर सकते की रोल ओवर के साथ। अगर आप कोई ऐसी हैवी डिमांडिंग गेम खेल रहे हो जिसमें आपको साइमल्टेनियसली बार बार अलग अलग बटन्स को प्रेस करना पड़ता है तो ये आपके कीज को रजिस्टर ही नहीं करेगा। और जो तीसरा और लास्ट कॉन मेरे को लगा, जो इसकी RGB लाइट्स बंद रहती है तब आप थोड़ा सा स्ट्रगल करोगे इसकी कीज को देखने में, क्योंकि RGB के साथ तो ये काफ़ी अच्छी ग्लो कर जाती है, विजिबल काफ़ी अच्छे इसके अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल वैल्यू हैज। पर जब इसकी RGB बंद रहती है तब आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी इस कीबोर्ड को देखने में। बाकी प्राइस के हिसाब से काफ़ी अच्छा माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो है, आप बिल्कुल ले सकते हो क्योंकि बाकी कीबोर्ड और माउस कॉम्बो से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर जाता है फंक्शनैलिटी वाइज भी और लुक्स वाइज भी। तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन यही रहेगी कि अगर आप कोई गेमिंग कॉम्बो बाय कर रहे हो कीबोर्ड और माउस का तो इसकी तरफ ज़रूर से जाएं। तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।